कला में नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर का अलौकिक चमत्कार मंदिर के पुजारी रेवा शंकर शर्मा ने बताया कि आज सावन के चतुर्मास के उपलक्ष्य में नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर में बाबा का मावे व काजू से रुद्राक्ष अभिषेक किया गया। यहाँ शिवलिंग की ये खासियत रही है कि स्वतः पिंडी बड़ी होती है और यहाँ बहुत ही प्राचीन मंदिर है। लगभग आज से 50 साल पहले पिंडी 7 इंच के लगभग आकार की थी और अभी वर्तमान समय में बढ़कर 2 से 2.5 फीट हो गई है और यहाँ पर 80 से 90 साल से सलंग सावन के महीने में अखंड अभिषेक चल रहा है और यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। भक्तों जो भी मनोकामना मांगते हैं बाबा उसे पूरी करते हैं। आज रुद्राभिषेक आरती में मनी समिति के अध्यक्ष भीमराज पाटीदार व गांव के वरिष्ठ नागरिक व भक्तजन उपस्थित रहे। शाहजहाँपुर से मुकेश अहिरवार की रिपोर्ट। गुरुदेव, जो सावन के मास में जो अभी अभिषेक हुआ इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप अभिषेक के बारे में? ये पूरे श्रावण मास रुद्राभिषेक प्रतिदिन चलता है। आज श्रावण मास के चतुर्थ सोमवार को विशेष मावे से भोलेनाथ का श्रृंगार किया गया है और सभी भक्तों का इसमें सहयोग मिला है, पूरे नगरवासियों का सहयोग मिला है इस पूजा में। काय काय का श्रृंगार हुआ आज? आज मावे का श्रृंगार हुआ जिसको सुशोभित किया गया है, नेत्र बनाए काजू से, बादाम से, किशमिश से। भोलेनाथ का श्रृंगार किया गया है, इत्र से, सुगंधित द्रव्यों से बाबा का श्रृंगार किया गया है। पूजा विशेष आरती रुद्राभिषेक किया गया है भोलेनाथ का। नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर की और क्या खासियत रही यहाँ की? ये स्वयंभू शिवलिंग है, स्वयं नीलकंठेश्वर महादेव जो कि पहले बता चुके हैं बरगद के पेड़ में से उत्पत्ति हुई है जी और प्रतिवर्ष यह बढ़ता है। जय बाबा।